ॐ विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्विभूतं यथा नित्यं यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्याज्ञा धर्मशास्त्रम् सहज शुचि कथा ब्रह्म विद्या नवद्या ज्ञानम् सर्वात्मभानम् स्थिरचरहितकृच्छेमुषी शान्तिभूषा आश्चर्यम् चारुचर्या जननयन मनो मोहनी मुक्तवर्या सम्पूर्णानन्दतीर्थम् गुरुममृतमृतम् ब्रह्ममूर्तम् प्रपद्ये। ॐ भवभयमपहन्तुम् ज्ञानविज्ञानसारम् निगमकृदुपजह्रे भृङ्गवद्वेदसारम् अमृतमुदभितश्चापाययद्भृत्यवर्गान् पुरुषमृषभमाद्यम् कृष्णसंज्ञम् नतोऽस्मि। ॐ श्री उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आपने जिस साधना पद्धति का योगचर्या का निरूपण किया ये तो मनुष्य के लिए विशेष करके जिन लोगों ने अपने इंद्रिय को मन को बस में नहीं किया है उनके लिए बहुत कठिन है। आप सुगम मार्ग बताइए, क्योंकि योगी का जो जीवन है वो हर समय डावाडोल होने की संभावना उसमें रहती है। जो तुम्हारी शरण लेते हैं वो पार हो जाते हैं। आप तो सबका ही कल्याण चाहते हैं। देखो, जब राम रूप में आपने अवतार लिया था तो आपने बानरों के साथ मित्रता करना पसंद किया था, तो आप सबके आत्मा हैं, आप सबके प्यारे हैं, आप सबके परमेश्वर हैं, आपको भला कौन भूल सकता है। हमें तो आपके चरणों की धूल चाहिए। आप ही बाहर हैं, आप ही भीतर हैं। अब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हर्ष की बात है, उद्धव जी तुम असल में मंगलमय सुमंगलमय धर्म के संबंध में प्रश्न करते हो। यदि कोई पुरुष श्रद्धा के साथ इसका आचरण करे तो वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। वो क्या है, कि मनुष्य मेरा तो करे स्मरण और मेरे लिए सब काम करे। ये जो कहते हैं ना कि भगवान की याद काम करते समय भूल जाती है, तो उसका कारण यही है कि काम करते हैं किसी और के लिए और याद करना चाहते हैं भगवान को। यदि वो काम भगवान के लिए कर रहे होंगे तो याद क्यों नहीं आवेगी। पवित्र स्थान में रहे, सत्संग करे, मेरे भक्त
ये जो चरित्र हैं हमारे भक्त जैसे रहते हैं उसका ध्यान करे, मेरे लिए पर्व मनावे, उत्सव मनावे, मेरे लिए गीत का आयोजन करे, नृत्य का आयोजन करे, खूब वैभव उसमें लगावे और सब प्राणियों में सब पदार्थों में बाहर भीतर नारायण अनावरण अपावृतम अनावृतम अनावरणम और अपने आप में और सब में परमात्मा को देखे जैसे सब में आकाश। और जितने लोग अपने को मिलते हैं सब में यही देखे कि इसके रूप में परमात्मा आ गए हैं, सबका सत्कार करे, केवल ज्ञान दृष्टि रखे। ब्राह्मण और कसाई, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूरज और चिंगारी, अक्रूर और क्रूर, इन सब में जो एक परमात्मा दिखता है जिसको, वो समदर्शी विद्वान है। सब में मेरी भावना करोगे तो किसी के साथ स्पर्धा नहीं होगी, होड़ नहीं लगेगी कि ये हमसे आगे कैसे जा रहा है, अरे बाबा परमेश्वर ने जाने दो। किसी के गुण में दोष नहीं निकालोगे, किसी का तिरस्कार नहीं करोगे, अहंकार नहीं करोगे, ये सब दोष दूर हो जाएंगे यदि एक बात धारण कर लो कि सब में भगवान है। मुंबई में ड्राइवर लोग होते हैं ना, और जब मोटर चलाते हैं तो ये हमसे आगे क्यों गया है ना, उनके मन में स्पर्धा होती है, फिर और तेज चला के उससे आगे निकलते हैं। एक बार हम चल रहे थे मोटर से तो दूसरे ड्राइवर ने अपनी मोटर आगे बढ़ाई तो उस सड़क पर जो सब कीचड़ और पानी पड़ा था वो हमारी मोटर में आ गया। प्रेमपुरी जी थे तो उनके मुंह में चला गया। अरे नारायण, अब हमारा ड्राइवर बहुत नाराज हुआ, तो अभी हम दिखाते हैं इनको मजा। तो प्रेमपुरी जी कहने लगे कि अरे भाई, भगवान का चरणामृत तो हमेशा मिलता है, आज मोटर का चरणामृत मिल गया है ना। देखो ये भी तो एक मन है ना, और हम लोगों का भी एक मन होता है, एक महात्मा का भी मन होता है। अक्रूरे क्रूर के चैव समुद्रिक पंडितों में कहा, स्पर्धा मत करो, होड़ मत लगाओ किसी से, किसी के गुण में दोष मत निकालो कि ये दिखाओ करते हैं, किसी का तिरस्कार मत करो, अहंकार मत करो, कोई हंसता है तो हंसने दो, लौकिक दृष्टि छोड़ दो, दैहिक दृष्टि छोड़ दो, कुत्ते को, चंडाल को, गाय को, गधे को नमस्कार करो। जब तक सब में भगवत भाव न हो जाए तब तक ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा विचार रहे कि आत्म मनीषा से, सर्वेश्वर दृष्टि से सब में भगवत भाव हो जाए, और फिर तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सारे संशय कट जाते हैं। संसार में जितने भी साधन के मार्ग हैं उन सब में सबसे श्रेष्ठ मार्ग यह है कि संपूर्ण प्राणियों में मन से, वाणी से और शरीर से भी, शरीर से नमस्कार करें, वाणी से मधुर बोलें और मन से सब में भगवान का चिंतन करें। यही साधन, इसमें चंडाल का और ब्राह्मण का भेद नहीं है, सब कर सकते हैं। इसमें इसको नारायण शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, पापी हो कि पुण्यात्मा हो, और इस धर्म का ध्वंस नहीं होता है कि स्वर्ग भोग लिया तो खत्म हो जाए। असल में निष्काम भाव से जो भी कर्म प्रभु के प्रति अर्पित किया जाता है कभी वो निरर्थक नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान ने कहा यही बुद्धिमानों की बुद्धि है, यही मनीषियों की मनीषा है। ये शरीर तो झूठा है लेकिन इससे सत्य मिल सकता है, ये शरीर तो मृत्युशील है परंतु इससे अमृत की प्राप्ति हो सकती है। उद्धव जी, मैंने तुमको सब जो साधन सिद्धांत का संग्रह है, सारे शास्त्र का सार है, ज्ञान है, वेदांत है, सब तुमको बता दिया। नारायण, जो हमारी भक्ति का संप्रदाय ये संप्रदाय चलाता है,
सबको ब्रह्म का दान करता है, ब्रह्मदायक से ज्ञानोपदेष्ट है, उसको मैं अपना आपा दे देता हूँ। जिसको जो इसका अध्ययन करता है वो नित्य पवित्र होता रहता है, उसके हृदय में मेरी भक्ति आती है। उद्धव जी तुम बताओ कि तुम्हारा शोक मोह दूर हुआ कि नहीं? दम्भी आदमी को जो पाखंड करते हैं ना, उनको ये नहीं बताना चाहिए। अभक्त के लिए नहीं है, दुर्विनीत के लिए नहीं है, जो पवित्र हो, ब्राह्मण भक्त हो, उसको ये बताना चाहिए। इसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। अमृत पी लिया तो फिर पीना क्या बाकी रहा? सो नारायण, संसार में जितने साधन साध्य हैं, सबका फल ये साधन सिद्धि राम पगले हो। भगवान के चरणों में प्रेम, अंत में उपसंहार किया भगवान ने। मर्त्यो जदा त्यक्त समस्त कर्मा, निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में, तदा मृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वही। मनुष्य दूसरी ओर से अपना मुंह मोड़ के मृत्यु से घिरा हुआ है, चारों ओर मौत है, तो चारों ओर से अपना मुंह मोड़ के मेरी ओर कर रहे और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, महाराज मैं आपका, तब बस मैं कहता हूं कि अब इसको मैं विशिष्ट व्यक्ति बना दूंगा। बीची की ऋषितों में विशिष्टम कर्तुम इष्टा बीची की ऋषिता, अब मैं इसको विशिष्ट व्यक्ति बना दूंगा। बस उसको वही अमरतत्व की प्राप्ति हो जाती है और मुझसे एक हो जाता है। अब तो उद्धव जी से कुछ बोले ही न जाए, उनका कंठ रुंध गया, आंखों में आंसू आ गए। बहुत संभाल के अपने को बोले कि हमारा अज्ञान अंधकार दूर हो गया, महाराज आपने विज्ञान में प्रदीप का हमको दान कर दिया, हमारा मोह पाप छिन्न हो गया, नारायण आपके चरणों में हमारा नमस्कार है। भगवान ने कहा कि अब तुम बद्रीनाथ जाओ और वहां जाके अलकनंदा का दर्शन करना। ये नहीं कहा कि नारायण वहां जाओ और हमारे चरणों का जल गंगा वहां बहता है उसमें स्नान करना, स्नान न बने तो स्पर्श कर लेना, आचमन कर लेना, और दर्शन कर लेना भाई, तो सारे ताप ताप मन नष्ट हो जाएंगे और वहां खूब शांति से रहना और मैंने जो शिक्षा दी है उसको धारण करना, तो मेरे पास फिर लौट आओगे नारायण। अब तो उद्धव जी परिक्रमा करके जाना चाहते थे लेकिन उनसे चला ही न जाए, वो तो रोने लगे हो और बार बार जाए बार बार लौट आवे और अंत में उनके चरणों की खड़ाऊ जो है वो सिर पर रख करके वहां से गए। भव भयम अपहंतुम ज्ञान विज्ञान सारम, निगम कृदुप जहरे भृंग वद्वेद सारम, अमृत मुदधिता पायभृत्य वर्गान पुरुष अमृषभम आद्यम कृष्ण संयम न तोस्मि। ये ज्ञान विज्ञान का सार है और स्वयं जिन्होंने वेद को प्रकट किया है उन्होंने ही भौरे की तरह वेद का सार निकाल लिया है, इससे संसार भय की निवृत्ति हो जाती है। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके अमृत निकाला था और उन्होंने ही वेद शास्त्र का मंथन करके ये भक्तों के लिए अमृत निकाला है। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। द्वारका में बोले बड़े बड़े उत्पात होने लगे। श्री कृष्ण ने द्वारका वासियों से कहा चलो प्रभात, सब लोग वहां गए, स्नान किया, ध्यान किया, भगवान की पूजा की, दान किया। नारायण अब वहां महाराज बुद्धि भ्रष्ट होना था तो उन्होंने शराब पी ली, जदुवंशियों ने बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जद द्रवैर भ्रष्यते मति, जहर खाने से शरीर नष्ट होता है, नशा पीने से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट हो गई तब मनुष्य के जीवन में रहा क्या? अब ऐसे लड़े महाराज आपस में, भाई भाई, बाप बेटा, सारे के सारे जदुवंशी
श्री कृष्ण बलराम जब समझाने के लिए आए महाराज तो उन लोगों ने समझा कि ये लोग भी हमारे दुश्मन हैं, शराब के नशे में उनको भी मारने के लिए टूट पड़े। उन लोगों ने भी महाराज सबको नष्ट कर दिया। इस तरह पृथ्वी का भार उतर गया। बलराम जी जाके समुद्र के किनारे बैठे और महाराज शांत हो गए। अब श्री कृष्ण भी एक पीपल के वृक्ष के नीचे गए, चतुर्भुज होकर के वहां बैठ गए। हो सुंदर स्मित वक्त्रा, जब उनके मुंह पर जब प्रकट हुए वसुदेव जी से, जब भी मुस्कुराते हुए प्रकट हुए, और जब जदुवंशी सब नष्ट हो गए और जाने का समय, उस समय भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। परमानंद, कमल के समान खिली हुई आंखें, मकराकृति कुंडल और नारायण, उन्होंने अपने दाहिने पांव को बाएं पांव पर रख दिया। अब वो जो जरा व्याध था तो उसने समझा कि कोई हरिन का शरीर है, बाण मार लिया। अरे आप इसे लाए महाराज, मुझसे अनजान में अपराध हुआ, मुझे आप मार दीजिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये तो संसारी लोग जो अपने को शरीर समझते हैं ये लोग ऐसा करते हैं। नारायण, ये तो अज्ञानी लोग ऐसा करते हैं, तू बिल्कुल मत डर। जिस धाम में मुझको जाना है उसी धाम में तुम पहले चलो, मारने वाले को पहले हो, अपने धाम में भेज दिया। फिर भगवान ने दारुक से कहा कि देखो दारुक, अब तुम चले जाओ यहाँ से। बोला हमारी तो महाराज आंख काम नहीं देती है। तो रथ पर से उतर के प्रणाम करने लगा। इतने में रथ ही मैं आयुध आदि के सहित उड़ गया। वो तो आश्चर्यचकित हो गया नारायण। बोले जाके द्वारका में सबसे कह दो अब वहाँ कोई न रहे, सब वहाँ से चले जाएं। इसी समय ब्रह्मा शंकर इंद्र सब भगवान श्री कृष्ण के पास आए। वो देखना चाहते थे कि भगवान कैसे अपने परम धाम में जाते हैं। सो परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने, और अपने सिवाय कुछ नहीं है, आत्मनि चात्मानं संयोज्य, मिल गए अद्वितीय आत्मा में, कहीं जाना आना नहीं होता है। ये एक में और अद्वितीय में फर्क होता है। वो इस बात को थोड़े लोग ध्यान में लेते हैं। एक तो बढ़ता है, जैसे एक एक दो हो गया और एक 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 तीन हो गया और एक बटे दो हो गया, घटता भी है। एक के लाख टुकड़े भी हो सकते हैं, एक के करोड़ टुकड़े भी हो सकते हैं, अरब टुकड़े भी। पर जो अद्वितीय होता है वो अद्वितीय अद्वितीय दो अद्वितीय नहीं होता, हो दो नहीं होता, अद्वितीय अद्वितीय तीन नहीं होता। एक तो संज्ञा है और अद्वितीय तत्व है। अद्वितीय बटे दो भी नहीं होता। अद्वितीय न बढ़ता है न घटता है, न आता है न जाता है, न उसमें विभाग होता है न गुणा होती है। भगवान ने अपने श्री विग्रह को भक्तों के हृदय में स्थापित कर दिया। धारणा ध्यान मंगलम, लोकाभिराम शरीर को स्थापित कर दिया नारायण, और स्वयं अपने धाम में प्रविष्ट हो गए। बाजे गाजे बजने लगे। अब तो न ब्रह्मा को पता चला कि कहाँ गए, न रुद्र को पता चला कि कहाँ गए। वो तो जैसे झट महाराज नट जो है एक दूसरे ही दृश्य उपस्थित कर दे, ऐसा कर दिया। हेलो श्री कृष्ण जन्म भगवान। अच्छा ये बताओ कि जो जमलोक में गए हुए गुरुपुत्र को ले आए और जो अस्त्र दग्ध परीक्षित को जीवित कर सके नारायण, वो क्या अपने को रख नहीं सकते थे? रख सकते थे अपने को नारायण, लेकिन उन्होंने रखना नहीं चाहा। क्यों नहीं रखना चाहा? बोले कि यदि हम अपने शरीर को रख लेंगे तो दूसरे जो ज्ञानी होंगे सृष्टि में वो भी कहेंगे कि भाई कृष्ण ने ज्ञानी होकर अपने शरीर को जुग जुग के लिए रख लिया, तो हम भी अपने शरीर को रखें, देहाभिमान बढ़ जाएगा। तो मरते न किम स्वस्थ गतिम प्रदर्शयन, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपने शरीर से मोह नहीं करते, उसको नहीं रखते। मरते न देह न किम न किंचित कार्यम इति
स्वस्थानाम आत्मनिष्ठानाम दिव्याम गतिमेव प्रकृष्टाम दर्शयन अन्यथा तेति दिव्याम गतिम अनादृत्य जोग बलेन देह सिद्धिम विधाय अत्रैवरं तुम जतेरन तन मा भूत इत्येतदर्थम इति भावः। बाबा भगवान ने कहा ये देह तो सबका मरने वाला है, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, यही दिव्य आत्म ज्ञानियों की दृष्टि है। यदि भगवान अपने शरीर को रख लेंगे तो वो दिव्य गति का अनादर करके जोग बल से देह की सिद्धि प्राप्त करेंगे और देह से यही रहना चाहेंगे, तो उनके लिए आदर्श बिगड़े नहीं, मरण शरीर छोड़ने में भी आदर्श। अब दारू गया द्वारका में और जा करके महाराज वहाँ कहा, सब लोग आए वहाँ, द्वारका से प्रभास आए, राम पत्नियों को तो, बलराम की पत्नियों को तो उनका शरीर मिल गया, लेकिन श्री कृष्ण की पत्नियों को तो कोई शरीर नहीं मिला। उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया और अर्जुन जो बचे थे वहाँ उन लोगों को लेकर के वो चला गया द्वारका से इंद्रप्रस्थ। केवल भगवान का मंदिर रह गया, बाकी द्वारका डूब गई, वहाँ हमेशा रहते हैं भगवान नारायण। पांडव लोग भी अपने अपने स्वर्गारोहण करके अपने अपने धाम में चले गए और तुमको परीक्षित उन लोगों ने राजा बना दिया। ये भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है, इसको जो सुनता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। इत्थम हरेर भोरु तिरा अवतारो वीर्याणि बाल चरितानि च संतमानि अन्यत्र चेहत श्रुतानि गृणन् मनुष्यो भक्तिं पराम परमहंस गतौ लभेत। इसके सुनने का, वर्णन करने का, गुनगुनाने का फल ये है कि परमहंसों के, महामुनिन्द्रों के जो परम आश्रय हैं भगवान, उनके चरणों में भक्ति होती है। नारायण। अब आगे राजा परीक्षित के पूछने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने कुछ वंश वर्णन किया। बृहद्रथ वंश में रिपुंजय पर्यंत सब हुए थे, सो रिपुंजय से आगे जो वंश चला उसका वर्णन किया, कितने वर्ष तक कौन राजा हुआ, कितने वर्ष तक कौन राजा हुआ, इसका वर्णन किया। तो महाराज ये कलयुग जो है ये भयंकर रूप से प्रवृत्त हुआ। कोई मंत्री राजा को मार दे तो कोई महाराज दूसरे शत्रु आकर के जीत ले, इस तरह से ये राज्य पर राज्य जो है वो बदलते रहे। नारायण, प्रजा जो है वो असती हो जाती है, राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रहती है, और ये कलयुग जब आता है तो सब प्रायः म्लेच्छ प्राय हो जाते हैं। नारायण, और सिंधु का जो तट है, सिंधु नदी का तट और चंद्रभागा नदी और कौंती देश और कश्मीर, इस पर म्लेच्छों का शासन हो जाता है। सब लोग अधर्मनिष्ठ होते हैं और अल्पदाता होते हैं। सिंधो स्तटम चंद्रभागाम कौंतीम काश्मीर मंडलम भोक्षंति शूद्रा ब्रात्याद्या म्लेच्छाश्चा ब्रह्म वर्चसाः। नारायण, एक साथ कई कई राजा होते हैं। महाराज स्त्री को मारे, बच्चे को मारे, गाय को मारे, ब्राह्मण को मारे, दूसरे के हक की चीज ले लें, आज राजा हुए और कल जेल खाने में चले गए। ये महाराज इनकी स्थिति है, न इनमें धैर्य है, न इनकी आयु है। संस्कार रहित क्रियाहीन म्लेच्छा राजन्य रूपिणा भक्षयिष्यन्ति, ये लोगों का रक्त पिएंगे, लोगों को खा जाएंगे। नारायण, और जैसे राजा होंगे वैसी प्रजा होगी। इसके बाद दिनों दिन धर्म का क्षय होने लगेगा। सत्य शौच क्षमा दया आयु बल स्मृति इनका नाश। जिसके पास ज्यादा धन हो महाराज, राज्य तो उनकी मुट्ठी में होता है, चाहे जब चाहे बदल दें, चाहे जिससे अपना जो काम चाहे करा लें। बोले जिसके पास धन है वो कुलीन है, वो सदाचारी है, वो गुणवान है,
और जिसके पास बल है वही न्याय देने लगता है। मन मिल गया, स्त्री पुरुष बन गए और जनेऊ पहन लिया, ब्राह्मण हो गए, चिन्ह धारण कर लिया, साधु हो गए, नारायण। और जिसके पास मुकदमा लड़ने का धन नहीं है वो हार जाएगा, और जो बात बहुत बनावे उसको लोग पंडित मानेंगे। गरीबी जो है इसको दुष्टता का लक्षण माना जाएगा, और जो बहुत दंभ करे उसको लोग साधु मानेंगे। विवाह में केवल स्वीकृति ही काफी होती है, और लोग वस्त्राभूषण को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, स्नान में वह प्रसाधनम। आभूषण नहीं, कपड़ा नहीं, क्या बोले, नहाओ, स्नान कर लो। और दूर सुना कि ये पानी की जगह है, तो बोले वो तीर्थ है। सुंदरता के लिए केवल बाल रखना काफी होता है, और कुछ नहीं चाहिए। लावण्य केश धारणम, हमारा शरीर सुंदर कैसे लगेगा, तो बाल खूब बढ़िया होने चाहिए। और पेट भरना स्वार्थ है। अच्छा, किसकी बात सच्ची मानी जाएगी, कि जो ढिठाई से बोलेगा, जो कुटुंब का भरण पोषण कर ले उसको बड़ा दक्ष मानेंगे, और जिसका नाम अखबार में छप जाए वो बड़ा धर्मात्मा हो गया। ऐसा महाराज पृथ्वी की चाल, जो बड़ी होगा तो राजा हो जाएगा। बार बार नारायण लोग दूसरे की स्त्री धन छीन लेंगे, और नारायण आमिष खाने लग जाएंगे, और अनावृष्टि से कभी होगी, कभी ठंड पड़ेगी, पाला पड़ जाएगा, कभी कभी गर्मी बहुत पड़ेगी। इस प्रकार महाराज पाखंड की प्रचुरता हो जाएगी, औषधियां भी कम अन्न देंगे। नारायण सब धर्म रक्षा के लिए चराचर गुरु भगवान श्री कृष्ण कल्की के रूप में अवतार लेंगे, और उनके शरीर की हवा लगने से लोगों का मन बदलने लगेगा और पवित्रता आ जाएगी। तो समय बताया वो कि कब कैसे क्या क्या होता है। सो नारायण, जब तक भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से इस धरती को छूते रहते हैं, तब तक कलयुग का प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। और उनके उठते ही महाराज कलयुग की प्रवृत्ति हो जाती है। बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन अब उनकी केवल कहानी शेष है। देवापी संतनु के जो भाई थे मरु, और वो सब दोनों बैठे हैं कलाप ग्राम में, और अंत में वे लोग वर्णाश्रम सृष्टि का प्रवर्तन करेंगे। ये युग भी चार होते हैं, ये समय के भेद से होते हैं। 4,32,000 बरस जैसे कल युग, तो इसके पहले 8,64,000 बरस द्वापर, तो कल युग का 3 गुना 3 गुना 4 गुना 7 युग ऐसे होता है। और एक होता है स्थान से, किसी स्थान में हमेशा सतयुग रहता है, कलयुग जाता ही नहीं है। और कोई वृत्ति ऐसी होती है कि उसमें हमेशा ही सतयुग रहता है, कलयुग आता ही नहीं है। इस तरह से महाराज बड़े बड़े राजा हुए नारायण, और इस शरीर के लिए उन लोगों ने दूसरों से बड़ा द्रोह किया, और अंत में नरक में गए। लोगों ने कहा धरती तो हमारी है, हम इसके मालिक हैं, मेरे बेटे के पास रहेगी, मेरे नाती पोते के पास रहेगी। ले शरीर तो मरता जाता है महाराज, पृथ्वी ज्यों की त्यों रहती है। अब उनका नाम कहानी में रह गया। जब राजा लोग धरती को पाने के लिए आपस में लड़ाई करते हैं, तो धरती माता हंसती है, अहो माम विजिगी संती मृत्यो क्रीडन का नरा, ये मौत के खिलौने और मेरे ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। ये समझदार लोगों के मन में भी क्या मोह है कि पानी के फेन की तरह शरीर, और विश्वास करके बैठे हैं, ऐसी ऐसी महाराज योजना बनाते हैं और कहते हैं ये मर जाएगा तो हम राज करेंगे। लो, अरे जब वो मर जाएगा तो तुम क्या नहीं मरोगे, तुम भी तो मरोगे ही नारायण। फिर बोले हम पृथ्वी के राजा बनेंगे, और फिर तीनों लोक को जीत लेंगे, पृथ्वी के राजा बनेंगे, फिर तीनों लोग को जीत देंगे महाराज। इस तरह से मूर्ख लोग सोचते हैं। धरती के लिए बाप बेटे में भी लड़ाई होती है नारायण। अब बोलते सारी धरती मेरी है, दूसरे की तो है ही नहीं, इसके लिए मर जाते हैं दोनों। राजा पृथु हुए, पुरूर्वा हुए, गादी हुए, नौ हुए,
अब भरत हुए, अर्जुन हुए, मानदाता हुए, बड़े बड़े राजा हुए महाराज, सब सब जानते थे महाराज और सबको जीत सकते थे। उन्होंने धरती से ममता की, अब केवल कहानी ही तो उनकी रह गई है ना। अपने बारे में आप कभी सोचते हो, आपकी तो कहानी भी नहीं रहेगी, उनकी तो कहानी रह गई, आपकी तो कहानी भी नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति है। तो ये जो हमने श्रीमद् भागवत में बड़ी बड़ी कथाएं सुनाई हैं, बड़े बड़े लोगों की जो जस छोड़ करके मर चुके, अब उनकी कहानी कहने से क्या फायदा है? आपको फायदा हो इसके लिए ना, उनको फायदा है हमारा, अब उनको क्या फायदा है, तो मर गए, तो मरे हुए की कहानी सुनने से क्या फायदा? कि अरे उनके जीवन चरित्र को सुन करके मनुष्य को कुछ विज्ञान होए कि वो भोग राग में ज्यादा न लगे और राग द्वेष उसके जीवन में कम होए, विज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए। अब ये तो वाणी का वैभव है, इसमें कुछ सच्चाई तो है नहीं। ये जो निरंतर भगवान का गुणानुवाद गाया जाता है, यस्तुत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते भीक्ष्णम मंगल घन तमेव नित्यम श्रृणुयाद भीक्ष्णम कृष्ण मलाम भक्ति मदीप समान। ये जो भगवान श्री कृष्ण का उत्तम श्लोक का गुणानुवाद है, उत्तम श्लोको यस्य, जिसके जस बहुत उत्तम है, उत्तमई श्लोक्यते इति, बड़े बड़े महापुरुष लोग जिसका उपश्लोकन गान करते हैं नारायण, वो भगवान का जो गुणानुवाद है वो अमंगल घन है, सारे अमंगल को मिटा देता है नारायण। उसका जहाँ गान होता है ना, आदमी को चाहिए कि उसको सुने और उससे भगवान की भक्ति अपने हृदय में आती है। राजा ने पूछा कि महाराज कलयुग के दोषों पर विजय प्राप्त होए। अब श्री सुखदेव जी महाराज ने चारों युगों का वर्णन करके बताया कि जब सत्य होता है, सत्गुण होता है चित्त में, तब तो सत्य युग होता है, और जब निद्रा तंद्रा हिंसा आलस्य मन में आता है तब कलयुग हो जाता है। जब मनुष्य की दृष्टि क्षुद्र हो जाए, छोटी छोटी बात में उलझ जाए, है ना, हमारा दो आना पैसा गिर गया और बार बार वो दो अन्नी अमन में आने लगी और तब तक दूसरे पांच लाख रुपए का नुकसान हो गया, दो आने पैसे पर नजर लगी और पांच लाख का नुकसान हो गया, किसी ने एक तुप से गाली दे दी और उसमें मन इतना रम गया कि अपना अंतःकरण जो खजानों का खजाना है वो चौपट हो गया नारायण। तो ये जो है इसी का नाम युग है। इस कलयुग में महाराज डाकू अपहरण करने वाले बढ़ जाते हैं, वेद पाखंडियों के हाथ में चल जाता है, राजा प्रजा को खाने लगते हैं नारायण। इस तरह से लोग खाते बहुत हैं और शरीर देखने में छोटा लगता है। वो ये जो लोग एक एक फुलका खाने वाले होते हैं, वो पांच पांच सात सात बार खा लेते हैं, कुल मिला के उनका ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। अरे अब और सहरस काया महाहारा, बच्चे पलटन के पलटन हो जाते हैं, शर्म नहीं आती है, भूर्जपत्या गता रिया, शर्म तो जैसे रही नहीं महाराज। और स्त्रियां भी जिनका क्या मधुर सुंदर रूप है वो कड़वा बोलती हैं, बड़े बड़े साहस का काम करती हैं, साधु लोग गांव में आकर के रहने लगे हैं। इस तरह से महाराज बड़ी निंदित वृत्ति कलयुग में आती है, जब पति के पास धन नहीं रहता तो स्त्रियां उसको छोड़ देती हैं। नारायण बड़ा सुंदर अपना मालिक है, परंतु उसके पास अगर पैसा नहीं है तो नौकर छोड़ देते हैं, और यदि सेवक जो है वो कमजोर हो गया, बुढ़ा हो गया, तो मालिक लोग उसको छोड़ देते हैं, गाय दूध न दे तो उसको कसाई खाने पहुंचा देते हैं। ऐसी महाराज ये कलयुग की रीति है। शूद्र लोग जो है वो उत्तम वेश धारण करके और दान लेने लगते हैं, एक कानी कौड़ी के लिए आपस में लोगों में विरोध होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है नारायण कि कलयुग में लोग भगवान का भजन करना पसंद नहीं करते हैं, प्रायः पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। पूर्व मीमांसा में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, एक प्रसंग है, जग में खंभा गाड़ा जाता है,
स्तंभ होता है, यूप होता है, यूप बोलते हैं। ये है कि उसको लाल कपड़े से लपेटना चाहिए और यजमान उसको स्पर्श करके कोई यज्ञ का कर्म करता है।